नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। इस स्टॉक से भी रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जिस समय पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, एक ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा हेल्दी गिरावट दर्ज कर चुका था, उस टाइम पर भी हमने इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी थी। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आते हैं, इनके मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आते हैं तो उसको हम मैं कवर भी करता हूँ। ऐसे में आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4% के ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे का रीजन्स दोस्तों एक ही है, MD मैनेजिंग डायरेक्टर अगर मैं अलेक्जेंडर जी की बात करूँ तो उन्होंने ही कुछ ऐसा कमेंट्री किया जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। देखिए वो कमेंट्री क्या है तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन हाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में जो हमको गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है, गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड तो आपको कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी जल्द से जल्द 2000 के लेवल को भी टच कर सकती, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए दोस्तों वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो देखिए पैसा आपका मर्जी, आपकी डिसीजन आपको लेना है, लेकिन हाँ मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मुथूट फाइनेंस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 4% के ऊपर तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे देखेंगे तो 1662 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है, मतलब जो कि क्लोजिंग है इनका। आज के अगर मैं हाई की बात करूँ 1672 रुपये देखने को मिले, 1590 रुपये कंपनी का आज का लो है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1753 रुपये कंपनी ने हाई रिसेंट में लगाया था, 1022 रुपये कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिलता है। इस कंपनी के अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2.5% के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ये वाला सबसे बेकार गिरावट था, मतलब आप कह सकते हैं कि 8 से 10% स्टॉक में एक तरफा पहले से पहले फर्स्ट गिरावट देखने को मिली थी। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, ये सेक्टर का लीडर था। जो भी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा, जो भी ट्रेडिंग हुई दोस्तों एक शॉर्ट टाइम में, आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर मुथूट फाइनेंस में एक जबरदस्त बिकौली देखने को मिली थी। कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब गुरुवार के दिन अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जिन्होंने भी नोटिस किया होगा इस स्टॉक के चार्ट को, तो एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद आप कह सकते हैं दोस्तों जब इस टाइप की किसी भी कंपनी में गिरावट होगी तो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ अपनी कमेंट्री करेंगे। तो ऐसे ही मैनेजमेंट आ गए दोस्तों, जो कि RBI लोन एडवाइजरी जो उन्होंने जारी किया था, 80% कस्टमर मूव टू नॉन कैश चैनल। इन्होंने क्या बोला दोस्तों कि अलेक्जेंडर की बात करें तो उन्होंने यही बोला कि जो इनके कस्टमर्स हैं वो 80% नॉन कैश वाले हैं, 20% देखा जाए जो ऐसे हैं जो कि कैश में पैसा लेते हैं, नहीं तो देखा है तो 80% ऐसे लोग हैं जो कि उनको मतलब कि अकाउंट में उनके ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8% स्टॉक में जो कि मतलब गिरावट देखने को मिली थी RBI का, जैसे कैश डिसबर्सल की बात कर जो इससे एडवाइजरी जारी हुआ वैसे स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे दोस्तों तो उसी से रिलेटेड है, जो कि मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जॉर्ज अलेक्जेंडर है दोस्तों, इनकी अगर बात करूँ मुथूट फाइनेंस से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD हैं जो कि, उसके बाद मुथूट फाइनेंस 9 तारीख को इन्होंने जैसे ही बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI दोस्तों एडवाइजरी फॉर द कर्व्स ऑन कैश डिजर्वर की बात करें तो उसमें लोन विल नॉट बी हिट्स। कंपनी जो कि देखा जाए 80% ऑफ इट्स अ कस्टमर हैव ए मूव टू नॉन कैश चैनल में, दोस्तों पहले से ही वो जा चुके हैं, 80% जो इनके पास कस्टमर है वो पहले से ही नॉन कैश चैनल में चल रहे हैं। RBI एडवाइजरी इज द नॉट सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स बट ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए, उन्होंने यही बताया है कि ऐसा नहीं कि मेरे लिए ही है, ये बहुत सारी जितनी भी फाइनेंशियल कंपनियाँ हैं, जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ सबके लिए चीज़ें लागू होती है, उन्होंने ऐसा ही बताया। डोंट थिंक इट विल हैव ए बिग इम्पैक्ट, जो कि उनके ऊपर कोई भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिखेगा, ऐसा उनका मानना है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में एक जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 80% जो उनका आवर उनके कस्टमर्स हैं आज के समय में देखा है तो माइग्रेट हो चुके, मतलब नॉन कैश में वो जा चुके हैं, ऐसा जो कि MD ने ड्यूरिंग एंड द इंटरेक्शंस के बाद उन्होंने बताया। CNBC आवाज़ 18 पे आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो स्टॉक द फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज रिकवर इंट्राडे जो देखा जाए 8% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद स्टॉक आप कह सकते हैं कि रिकवर किया, 1% 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की अगर बात करूँ तो इन्होंने जैसे ही RBI की एडवाइजरी का रिप्लाई किया वैसे ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि उसको आप सभी लोगों को पता है कि ये भी एक ऐसी कंपनी है जिनकी अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, जैसे ही मार्केट में कोई भी न्यूज आता है, इम्पैक्ट होता है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, तो उस टाइम पे ये भी आकर के कुछ ना कुछ अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशंस देते हैं, तो ये भी मेरे पॉइंट से एक पॉजिटिव सीन में आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में जिन्होंने भी मार्केट को लास्ट तक देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा दोस्तों कि अगर मैं मन्ना फोरम फाइनेंस की बात करूँ
तो इनकी देखा जाए तो लगभग 6-7% स्टॉक में गिरावट देगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड नंबर की कंपनी है। अगर वही आई एफ एल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उसमें भी 4-5% की गिरावट देखने मिली, लेकिन ये कंपनी इकलौती थी जो कि रिकवर भी कर गई थी। हिसाब से हो सकता है उस तक मतलब कि आने वाले समय में ये कंपनी जल्द से जल्द 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है, क्योंकि इनके मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काबिलियत है। आप कह सकते हैं जैसा कि हमने आपसे बताया कि आने वाले समय में कुछ भी होता है तो जो कि आके क्लैरिफिकेशंस भी दे देते हैं। हाँ, ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो अगर मैं FIs की बात करूँ या DIs की बात करूँ तो उनके पास भी एक डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा वो प्लस माइनस नहीं करते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिल जाते हैं। और भी अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा स्टेक देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ पहले से देखा जाए तो इनके पास 3-4% का स्टेक था और आज भी सिंगल डिजिट में ही आप कर सकते 3.5% का स्टेक देखने को मिल जाता है। अभी ये कंपनी 2000 रुपये के लेवल को कैसे टच कर सकती है उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी में 4% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पर कंपनी में 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। देखिए इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बनते, फिर भी 22% माल डिलीवरी में उठा गया, जो कि अपने आप में भी एक तरफ से इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। देखिए पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना वो अपने आप में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी देखने को नहीं मिले। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते 30 अप्रैल को कंपनी ने 1753 रुपये का हाई भी लगाया था, जो कि लो देखा है तो 2023 में ही देखने को मिलेगा। जस्ट अपडेट में अगर आप देखेंगे दोस्तों जो इनका रिजल्ट है मतलब जो इनका बोर्ड मीटिंग है उससे रिलेटेड कुछ पहले ही 18 मई को देखने को मिला, 18 अप्रैल को देखने को मिला था। उसके बाद आप कहेंगे अगर 18 तारीख को इन्होंने एक मतलब कि एक अदर बिजनेस मैटर से रिलेटेड कुछ डिस्कस किया था जो कि एक बोर्ड मीटिंग हुआ था, लेकिन हाँ अभी तक अगर देखा है तो इनका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है दोस्तों वो भी अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा है कब ये कंपनी जो कि रिजल्ट अपना पेश करेगी। तो ये भी चीज़ आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। तो वहाँ पे जो ब्रूमिंग वर्ल्ड से रिलेटेड जो बात हुई थी 8 मई के आसपास तो उसमें देखा है तो बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इशू हुए थे। उसके बाद देखा है तो इस स्टॉक में थोड़ी सी और भी प्रेशर क्रिएट हुआ था। जैसा अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। जैसा कि देखा जाए तो 8 मई के बाद स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। इस स्टॉक में अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एकदम डिसेंट चार्ट होल्डिंग है। और हालांकि देखा जाए तो कंपनी ऐसा भी नहीं कोई अभी जस्ट मार्केट में आई हुई, बहुत ही पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। और देखा जाए तो 2011 से लेकर के अभी तक कंपनी ने 800-850% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कोई ऐसा आपको मतलब अगर कोई कंपनी रिटर्न बना के देगी तो उसमें इस टाइप की गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस कंपनी में कैसी है आप देख सकते कितना डिसेंट इस स्टॉक का चार्ट था। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली कोविड के बाद आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिली, अभी कंपनी रिकवर भी कर लिया है। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, गिरावट होती है तो लास्ट एक कंपनी 1550 तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है। अभी तो दोस्तों ये छोटी मोटी तेजी है, अभी कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट कब आएंगे ये भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जिस टाइम पे ये अनाउंसमेंट होगा एक अच्छी खासी और भी तेजी देखने को मिल सकती है। चेस्ट तो बड़ी अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।